बुहाना रोड स्थित गांव बड़वासनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ठीक एक माह बाद हम मतदान केंद्र पर होंगे और अपने मत का प्रयोग कर रहे होंगे। मतदाताओं के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें वर्तमान मोदी सरकार की बदलाव प्रक्रिया और नारों के बूते पर दशकों सत्तारूढ़ रहने वालों के मध्य अगले 5 साल के लिए देश के भविष्य के अनुरूप फैसला करना है। आज आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है तो बेधड़क होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मत दे। उन्होंने कांग्रेस की दशकों पुरानी सत्ता को लोलुपाता पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि एक और वो लोग हैं जिन्होंने आकाश पाताल जमीन पर धड़ल्ले से घोटाले किए, कटाई के लिए तैयार फसल को छोड़कर रैली में पहुंचे। हजारों किसानों से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को बड़े सपने दिखाने, जमीन अधिग्रहण से पहले इसे बिल्डरों को बिकवाने के लिए कमीशन का खेल करने वालों ने हरियाणा पर दाग लगाने का शर्मनाक काम किया है। इसका बिगुल बच चुका है और अब हरियाणा के चुनाव के लिए 1 महीने का समय शेष है। अब इस काम के लिए हम लोग अपने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत गांव में सभाएं कर रहे हैं। आपने देखा जैसे बड़वासिनी जैसे गांव के खेतों में इतनी बड़ी सभा जो आसपास के लोग उमड़ करके आए हैं, और इसी प्रकार से जहां शहरों में रोड शो के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में जनता उमड़ करके आ रही है। और ये सीधा सीधा एक इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार की 5 साल की गतिविधियां हो, चाहे हमारे प्रदेश की उपलब्धियां 4.5 साल की हों, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और आप लोगों की रिपोर्ट भी आपके पास जरूर होगी, लेकिन हमारी भी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा के अंदर सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसके लिए एक पहली बात तो एक सारे देश में एक वातावरण बनाना होता है। आज तो कांग्रेस इसको किस यानी ऐसी घिनौनी हरकत के कारण से उसका विरोध कर रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जनता अगर हमको 2/3 मेजोरिटी देती है, क्योंकि संवैधानिक विषय है, उनका विरोध है क्योंकि वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जनता इसको अपने आप देख रही है कि इस देश की एकता अखंडता के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। आखिर जब तक 370 नहीं हटेगी तब तक जम्मू कश्मीर अपने देश का अभिन्न अंग नहीं बन सकता। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।